तक तो मिली ने मम्मी पापा को बता दिया रहेगा ना सब कुछ, तो फिर वो लोग अभी तक मेरे को लेने खाए को नहीं आए। मम्मी प्लीज जल्दी आओ ना, बहुत डर लग रहा है, पेट भी कर रही है ना आपका, आ जाओ ना जल्दी। कोई कोई है उधर? देखिए मैं इधर अंदर हूँ, जो कोई भी आप इधर आई है ना, अंदर इधर मेरे को बांध के रखा है, इधर से मेरे को छुड़ाने में मेरी हेल्प करो ना प्लीज। बेटा ये कागज का टुकड़ा तुमने फेंका था? हाँ अंकल, ये मैंने फेंका था, मेरे को हेल्प चाहिए, यहाँ से निकालो ना मेरे को, हीरा मार उसके गुंडे लोग ना मेरे को यहाँ पर पकड़ कर रखे, मेरे को बाहर जाने नहीं दे रहे, आप प्लीज यहाँ से निकालने में मेरी हेल्प करो ना अंकल प्लीज। अंकल यही चाहे वो डेंजर अम्मा, ये और इसके गुंडे लोग ना मेरे को इधर पकड़ के रखे, मेरे को ना मीता आंटी के ऑफिस से उठाया ये लोग, मेरी मम्मी से भी दूर कर दिए, अब वापस मेरे को मीता आंटी के ऑफिस छोड़ दो ना, मैं वहां से अपनी मम्मी के पास चली जाएगी। क्या ये लड़की सच कह रही है? तुम बच्चों को उठाती हो और यहाँ बांध के रखती हो? हाँ लगा तेरी को पट्टी, खिड़की पे चढ़ के कागज फेंकेंगी, चिल्लाएंगी तो कोई तेरी मदद करने आएगा? इधर मेरी खोली में तेरे को जाना ना इसके साथ, इसी के साथ भेजेगी। पहले कि अंकल ये रिपोर्ट पढ़े और सबको मालूम पड़ जाए कि तू नहीं है इनकी बेटी, ये मम्मी पापा का प्यार, ये बड़ा सा घर, कुछ भी नहीं मिलेगा तेरे को मिनी। रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसका मेरा डीएनए टेस्ट मैच करता है। ये हमारी पायल है। मैंने बोला था ना कि मुझे पूरा विश्वास है हमारी पायल लौट के आएगी, देखा आपने पायल आ गई, हमारी चीयो आ गई, हमें चीयो मिल गई। बहुत
आई वो, हमारे घर की खुशी आ गई। नूपुर, तेरे इंतजार, तेरे विश्वास का आज हमें फल मिला है। हमारी पायल हमारे पास आ गई। भगवान ने हमें हमारी पायल ही नहीं दी है, हमारे घर की खुशियां सब उसने हमें वापस लौटा दिए। दादाजी बेटा खुश रहो, बेटा खुश रहो। ये आपके दादाजी है, इनके पैंची हो बेटा। बाबा आ बेटा पैर छोड़। अंकल ने पक्का कुछ तो भी गलत पढ़ा होगा, क्योंकि मैं तो उनकी बेटी है ही नहीं। फिर अपन की ये रिपोर्ट एकदम सिम टू सिम कैसे आई? चुप, छोड़ो मेरे को। चुप, सोची तो थी कि तेरे को तेरे माँ बापा को बेच के माल भी कमाएंगी और पुण्य भी। तूने मेरे साथ जो किया ना पोती, उसकी सजा है। मेरी अक्की पलटन को भगा दी तो अब उनके हिस्से की कैद तेरे को ही काटनी पड़ेंगी ना, सारी उम्र। सो जा, जब आंख खुलेंगी तो दूर जा चुकी होंगी अपनी अम्मा से। ले जा इसको। चल गाड़ी चला। हीरा नाम है मेरा, कितने आए कितने गए, पर मैं इधर इच है और इधर इच रहेगी। थैंकू बप्पा जी, एकदम सही टाइम पे मेरी नाक बंद करने के वास्ते। रो रो के नाक इतनी ज्यादा भर गई थी कि बेहोशी की दवाई का असर ही नहीं हुआ। अब मेरी एक हेल्प और कर दो, कुछ भी करके ना मेरे को इधर से बाहर निकलने का कोई ना कोई तो आइडिया दे दो पापा जी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ना अपनी मम्मी के पास पहुँच जाए। पता नहीं मिनी अब तक तो पहुँची भी होगी वहाँ या नहीं। ये नए कपड़े, ये नए खिलौने, ये नई कार, ये गुड़िया, ये सब मेरे लिए है। कुछ ज्यादा ही मजे नहीं हो गए तुम्हारे? खेल ले, कर लो जितने मजे करने हैं, क्या पता कल हो ना हो। क्यों क्यों? अरे बेटा यहाँ तक तो पहुंच गई तुम, पर इस घर में तुम रहोगी या नहीं रहोगी वो तो मेरे हाथ में है ना। लेकिन आप मुझे क्यों इस घर में नहीं रहने देना चाहते? ये तो मेरा ही घर है ना, मैं तो बेटी है उनकी। हाँ करेक्ट, बेटी है किसकी? वो नूपुर। ए लड़की, ये जो तुम्हारी झूठी बातें हैं ना, इसमें नूपुर आएगी, उसे बेवकूफ बनाना मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम नकली पायल हो। नहीं मैं नकली नहीं है, मैं असली पायल है। अभी तो वो रिपोर्ट आई थी ना। रिपोर्ट? यस, वही रिपोर्ट जो मैंने बनवाई पैसे देके। पैसे तुम्हारी मर्जी के, काम मेरी मर्जी का, समझे ना? अब पता चला तुम मिलिंद और नूपुर की बेटी कैसे बनी?
मुझे जिस पल पता चला ना कि तुम अपने आप को पायल बता रही हो, तो मैं जान गई थी कि तुम तो झूठ बोल रही हो। क्योंकि असली पायल कौन है वो मैं जानती हूँ। जानती हूँ, मैं चाहती तो उसी पल तुम्हें घर से बाहर निकाल के फेंक देती, पर क्या करूं, इतनी भोली दिखती हो, तरस आ गया मुझे तुम पे, रहने दिया मैंने तुम्हें, पर अब इस घर में तुम आगे रहोगी नहीं रहोगी वो किसके हाथों में है? मेरे। अगर मेरे हिसाब से चलोगी तो रहोगी, नहीं तो। गुड़िया चाहे प्लास्टिक की हो या फिर हार्ड मास की, जब तक मुझे मजा आता है ना बस तब तक ही मैं खेलती हूँ उससे। पायल, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कामिनी, आप यहाँ पे कैसे, क्या बात है? अरे नूपुर, तुम इसे यहाँ पे अकेले छोड़ के गई थी, देखो नया घर है उसके लिए, तो मैंने सोचा मैं तब तक इसे देख लूँ, है ना, बेचारी डर गई होती तो, है ना पायल बिटिया? हाँ मम्मी। कामिनी आंटी बहुत अच्छी है, ये देखो ये जो मेरी गुड़िया है ना टूट गई थी तो उन्होंने ही जोड़ के दिया ये मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पर पायल, ये आपकी कामिनी आंटी नहीं है, ये कामिनी काकी है, आप इनको काकी बोलना आप। अच्छा थैंक्स बोलो अपनी काकी को। थैंक यू काकी। सच अ स्वीट हार्ट, थैंक गॉड तुम आ गई। पायल, वी मिस्ड यू सो मच। आई एम ग्लैड यू आर बैक। हाँ पायल, आप कुछ खा लो बच्चा, इसके बाद है ना हमें मंदिर जाना है। आप जब गायब हो गई थी ना तो न जाने कितने सालों तक मैंने उस मंदिर में जाके आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आप मुझे मिल जाओ, अब फाइनली आप मुझे मिल गई हो, इसलिए हमें मंदिर में जाके भगवान को थैंक्स बोलना है। चलो कुछ खा। मम्मी मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है, आज तो मैं अपनी पायल को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाऊंगी जैसे बचपन में सुनाया करती थी। चलो अब ये तो पक्का हो गया कि असली पायल का चक्कर हमेशा के लिए खत्म और नकली पायल मेरे कंट्रोल में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।